हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रैवल एंजॉय हॉलीडेज यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आपको हर बार भारत के एक नए पर्यटन स्थल की जानकारी मिलती रहेगी। अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब की बार प्लीज सब्सक्राइब करें। तो आइए, आज का पर्यटन स्थल है हिमाचल प्रदेश का बेहतरीन और फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन शिमला और मनाली। अगर आप शिमला और मनाली की टूर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको शिमला और मनाली के बारे में सारी जानकारी मिलेगी एंड दिस विल हेल्प यू टू प्लान योर ट्रिप टू शिमला एंड मनाली एंड यू कैन एंजॉय द ट्रिप टू अ ग्रेट एक्सटेंट। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि शिमला और मनाली भारत के किस क्षेत्र में आता है। शिमला और मनाली नॉर्थ इंडिया के हिमाचल प्रदेश में बसा काफी आकर्षक पर्यटन स्थल है। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट्स सी, शिमला और मनाली टूर करने के लिए आपको कम से कम कितने दिन चाहिए। शिमला और मनाली टूर के लिए आपको कम से कम 5 रातें और 6 दिन की आवश्यकता है, जिसमें 2 रातें शिमला और 3 रातें मनाली की होती हैं। तो आइए अब जानते हैं कि शिमला और मनाली कैसे पहुंचे। आमतौर पर शिमला और मनाली टूर में सबसे पहले शिमला जाना होता है, शिमला से फिर मनाली करते हुए रिटर्न जर्नी होती है। शिमला जाने के कई ऑप्शंस हैं। अगर आप दिल्ली से शिमला जाने का ऑप्शन लेते हो तो ये थोड़ा हेक्टिक होगा, क्योंकि दिल्ली शिमला रोड डिस्टेंस ज़्यादा है और आपका पूरा दिन इस सफ़र में वेस्ट हो सकता है। अगर आपको दिल्ली से ही जाना है तो आप दिल्ली से रात को निकलने वाली प्राइवेट या फिर हिमाचल टूरिज्म की वॉल्वो बस से जा सकते हो, जो आपको सुबह शिमला पहुँचा देगी। इससे आपका दिन भी बचेगा और जर्नी भी हेक्टिक नहीं होगी। अगर आप चंडीगढ़ से शिमला जाने का ऑप्शन लेते हो तो ये सही रहेगा, क्योंकि चंडीगढ़ शिमला रोड डिस्टेंस कम है। अर्ली मॉर्निंग अगर आप सफ़र शुरू करते हैं तो आप दिन के 11-12 बजे तक शिमला पहुंच सकते हैं। इसमें आपका सफ़र भी दिन का रहेगा और पूरा दिन वेस्ट नहीं होगा। अगर आप कालका से टॉय ट्रेन का ऑप्शन लेते हो तो कालका से अर्ली मॉर्निंग निकलने वाली ट्रेन से जाना सही रहेगा। टॉय ट्रेन का टाइम टेबल और इसकी बुकिंग आप IRCTC की वेबसाइट से कर सकते हो। एंड यू नो फ्रेंड्स, दिस टॉय ट्रेन इन शिमला इज लिस्टेड वन अमंग द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। इन शॉर्ट, अगर आप भारत के किसी अन्य राज्य से है तो दिल्ली, चंडीगढ़ या फिर कालका आपके शिमला और मनाली टूर का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। दिल्ली और चंडीगढ़ के लिए आप बाय रोड, बाय रेल या फिर फ्लाइट से जा सकते हो। कालका में कोई एयरपोर्ट नहीं है, कालका के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट चंडीगढ़ या दिल्ली ही रहेगा। तो चलिए, हम सबसे पहले आपको ले चलते हैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की हसीन वादियों में। दोस्तों, क्या आपको पता है शिमला को क्वीन ऑफ हिल्स से भी जाना जाता है? जी हाँ, शिमला की वादियों, पहाड़ियों और घाटियों में कुदरती नज़ारा कुछ इस तरह है कि इसे देखने के बाद आप खुद इस बात पर विश्वास करेंगे। शिमला घूमने के अनगिनत कारण हैं। ये शहर कई मायनों में अद्भुत है। पैनोरामिक व्यूज, ब्यूटीफुल वेदर, इनक्रेडिबल विंटर विथ स्नोफॉल, फील गुड एम्बियंस, कूल समर, ब्रेथटेकिंग रेन, द लिस्ट इज जस्ट इनएग्जॉस्टिबल। वन कैन विजिट शिमला एट एनी टाइम ऑफ द ईयर। हालांकि लैंडस्लाइड और बाढ़ के कारण जुलाई से सितंबर तक मानसून के मौसम में न जाए तो बेहतर। शिमला घूमने के लिए गर्मियों का समय काफ़ी अच्छा है। तो आइए देखते हैं कि शिमला में फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शंस क्या क्या है। सबसे पहले चलते हैं द रिज और मॉल रोड, शिमला की सबसे खूबसूरत जगह जहां आप कभी भी घूमने जा सकते हो। यहां व्हीकल्स अलाउड न होने से आपको पैदल ही घूमना होगा। यहाँ के वॉच टावर से आप शिमला की पहाड़ियों का दृश्य देख सकते हो। मॉल रोड पर आप शॉपिंग और डाइनिंग का लुफ्त उठा सकते हो। अब हम चलते हैं शिमला के एक और फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन कुफरी। शिमला से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर बसा यह एक बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट है। शिमला जिले में कुफरी एक ऐसी रोमांटिक जगह है जिसे ना देखो तो शिमला की टूर अधूरी है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ सर्दियों के दौरान सभी जगह बर्फ दिखाई देती है। गर्मियों के मौसम में भी
यहाँ का तापमान अच्छा खासा ठंडा रहता है। चारों तरफ हरियाली से भरे पहाड़ों का नज़ारा सच में मन को सुकून देता है। फोटोग्राफी और वीडियो शूटिंग के लिए यह एक बेहतरीन जगह है। बॉलीवुड की फिल्मों का यह फेमस शूटिंग पॉइंट रहा है। तो चलिए अब देखते हैं एक और स्थल, मशोबरा। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में स्थित मशोबरा, धुंध से घिरी पहाड़ियाँ, देवदार, ओक, केदार के पेड़, सेब के बाग और चारों तरफ पहाड़ और घाटी, यह दृश्य सचमुच एक यादगार अनुभव देता है। शिमला से सिर्फ 13 किलोमीटर की दूरी पर मशोबरा है। यह स्थल शहर से थोड़े दूर होने की वजह से शांत वातावरण के लिए आप अपने टूर का होटल यहाँ बुक कर सकते हो। अब चलते हैं और एक डेस्टिनेशन, चहल। चहल शिमला के पास एक शांत हिल स्टेशन है जो देवदार के पेड़ों के बीच दुनिया में सबसे ऊंचे क्रिकेट ग्राउंड और हेरिटेज होटल चहल पैलेस के लिए जाना जाता है। इसके बाद हम देखते हैं नारकंडा। नारकंडा जंगलों और वनों से घिरा नारकंडा शिमला जिले का एक छोटा शहर है जो सर्दियों में स्कीइंग के लिए लोकप्रिय है। अब देखते हैं कसौली। कसौली चंडीगढ़ से शिमला के रास्ते पर स्थित है। कसौली एक पहाड़ी शहर है जो भीड़भाड़ से दूर एक शांतिपूर्ण स्थान है। तो आइए शिमला के बाद अब चलते हैं मनाली की ओर। शिमला से मनाली बाय रोड एक अविस्मरणीय सफर है। यह सफर करीब 250 किलोमीटर का है। लगभग पूरा रास्ता पहाड़ियों और खाइयों से गुजरता हुआ जाता है, तो एक और ब्यास रिवर का साथ होता है। मनाली पहुंचते पहुंचते लगभग पूरा दिन निकल जाता है। शिमला मनाली रास्ते में कुल्लू एक पर्यटन स्थल आता है। यहाँ आप एक छोटा सा ब्रेक ले सकते हो और यहाँ की फेमस शॉल या फिर उलन कपड़ों का शॉपिंग भी कर सकते हो। मनाली को असाधारण प्राकृतिक सुंदरता का आशीर्वाद मिला है। संग्रहालयों से लेकर के मंदिरों तक, विचित्र छोटे हिप्पी गांव से लेकर उबड़ खाबड़ गलियों तक, नदी के रोमांच से लेकर ट्रेकिंग ट्रेल्स तक, मनाली हमेशा पर्यटकों का एक आकर्षण रहा है। तो आइए अब चलते हैं मनाली में बसा सबसे आकर्षक स्थान रोहतांग पास की ओर। लोग कई बार ये सवाल करते हैं कि शिमला बेटर है या फिर मनाली। मेरी मानो तो शिमला और मनाली दोनों ही बेटर है। शिमला का एक अलग अंदाज है और मनाली का एक अपना और अंदाज है। दोनों इक्वली बेहतर है, देखने लायक है। रोहतांग पास 3,979 मीटर की ऊंचाई पर और मनाली से 51 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सर्दियों में यह मार्ग बंद रहता है, लेकिन जून से अक्टूबर तक खुला रहता है। रोहतांग पास लाहौल, स्पीति, पांगी और लेह घाटी का प्रवेश द्वार है। बर्फ में खेलने का सही मजा अगर लेना है तो रोहतांग पास जैसी कोई जगह नहीं। यहाँ चारों ओर आपको बर्फ ही बर्फ दिखाई देगा। अप्रैल मई जैसी गर्मी के सीजन में भी आपको यहाँ काफी मात्रा में बर्फ नजर आएगा। यह मिलिट्री एरिया होने की वजह से रोहतांग पास जाने के लिए कम से कम एक दिन पहले आपको गवर्नमेंट परमिट निकालना जरूरी होता है। इसके बगैर आप रोहतांग पास विजिट नहीं कर सकते।
रोहतांग पास से लौटते वक्त आप कई साल पुराने महर्षि ऋषि मंदिर का दर्शन कर सकते हो। मनाली लोकल साइट सींग में आप हिडिंबा देवी मंदिर का दर्शन कर सकते हो। मंदिर के आसपास देवदार के वृक्षों का घना जंगल, जिसे देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। तो आइए अब चलते हैं मनाली का और एक आकर्षण सोलंग वैली की ओर। सोलंग वैली को स्नो वैली के रूप में भी जाना जाता है, जो स्कीइंग, पैराशूटिंग, पैराग्लाइडिंग, ट्रेकिंग जैसे विभिन्न साहसिक खेलों के लिए प्रसिद्ध है। यह वैली मनाली में सबसे मनोरम स्थलों में से एक है और समुद्र तल से 2560 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और हाँ, मनाली से घर लौटते वक्त मनाली के मॉल रोड पर शॉपिंग करना ना भूलें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक यू।